हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया था आयरन स्टील इनवर्ट्स के बारे में कि कहाँ कहाँ पर इनको सेटअप किया गया है। और इनको सेटअप किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद 5 ईयर प्लान के थ्रू अलग अलग फैक्ट्रीज स्टेब्लिश की गई थी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर ब्रिटिश की सहायता से, एंड राउरकेला उड़ीसा के अंदर जर्मन असिस्टेंट की सहायता से, और भिलाई में छत्तीसगढ़ रशियन असिस्टेंट की सहायता से। पहले जो इनकी कैपेसिटी थी वो 10 लाख थी, बाद में ये बढ़कर 16 लाख हो गई। ये सब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था। और 4th 5 ईयर प्लान के अंदर जो एशिया है, एशिया एशिया की जो लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज के रूप में बोकारो स्टैब्लिश हो गई। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रीज का, वो ये तेजी से विकास हो इस इंडस्ट्रीज का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कि सेल कहा जाता है, ये स्टैब्लिश हुई थी 1973 के अंदर। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये जो सेल है ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क परफॉर्म करती है ऑल फैक्ट्रीज ऑन पब्लिक सेक्टर, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर उसमें। और 3 मोर फैक्ट्रीज सेटअप की गई थी, जिसमें इंक्लूड किया गया 3 मोर फैक्ट्रीज को, वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, सेलम तमिलनाडु, एंड विजयनगर कर्नाटक के अंदर। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो रॉ मटेरियल पर बेस्ड होती हैं, चीप ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है उनके लिए, तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ऐसे जगह पर स्टैब्लिश की जाती हैं जहाँ पर उनको आसानी से रॉ मटेरियल और चीप ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए। और रॉ मटेरियल के अंदर जैसे कि आयरन और कोल, मैगनीज और माइन, ये प्रेजेंट होने चाहिए। मैगनीज माइंस आर प्रेजेंट इन फॉर फैसिलिटेशन ऑफ चीप ट्रांसपोर्टेशन, और माइंस भी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर आसानी से उनको चीप ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए। तो ये कुछ यूनिट्स थी जिनके बारे में मुझे आज आपको समझाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो कि जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि टिस्को के बारे में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टिस्को, टिस्को के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इसमें आपके 8 यूनिट्स दे रखी हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें टिस्को, इस्को, विस्को, एंड राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर स्टील प्लांट, स्टील फैक्ट्री, एंड बोकारो स्टील फैक्ट्री, एंड विशाखापट्टनम स्टील फैक्ट्री। इसके अंदर आपको याद करना है कि भाई यूनिट का नाम क्या है, कहाँ पर वो सेटअप है, प्लेस क्या है उसका, और उनको आयरन ओर कहाँ से अवेलेबल होता है। ये सारे रॉ मटेरियल्स दे रखे हैं इसके अंदर, आयरन ओर एंड कोल। आयरन ओर कहाँ कहाँ से उनको अवेलेबल होता है, या कोल कहाँ से उनको अवेलेबल होता है, एंड मैगनीज जो कि रॉ मटेरियल है। इसके अलावा वाटर कहाँ से अवेलेबल होता है, और मार्केट उनका कहाँ कहाँ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। जैसे मान लीजिए टिस्को है, तो टिस्को जिसको कि बोला गया है, पहले पिछले वीडियो में बताया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ये इसमें आ जाएगा। ये इसका जो प्लेस है वो जमशेदपुर में सेटअप किया गया है इसको। और जो रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर का, ये यहाँ नोआ मुंडी से इसको लाया जाता है, एंड गुरु महेशनी माइंस के थ्रू निकाला जाता है आयरन ओर। और जो रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ कोल का, वो है झारिया एंड बोकारो। और रीजन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मैगनीज, ये है जोड़ा माइंस एंड कोयंझार। रीजन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की जो सुविधा है वो उनको मिलती है स्वर्ण रेखा एंड खेरकल रिवर से। और जो मार्केट है इसका वो है कोलकाता, मुंबई एंड नेबरिंग रीजन्स के अंदर। इसकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो है 40 लाख टन। देन इसके बाद आता है इसको, आपका इसको इसका जो प्लेस है वो कुल्टी के अंदर है, कुल्टी, हीरापुर एंड बरनपुर, यहाँ पे इनको सेटअप किया गया है। और जो रीजन है इसका जहाँ पे आयरन ओर अवेलेबल होता है, वो है इनका सिंह भूमि, मयूरभंज एंड कोठान एंड कोइंझार माइंस, रानीगंज, झारिया एंड रामनगर, यहाँ से कोल इनको मिलता है। एंड जो अवेलेबिलिटी है मैगनीज के, वो है उड़ीसा एंड झारखंड। रीजन ऑफ अवेलेबिलिटी वाटर है वो दामोदर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मार्केट जो है इनका वो कोलकाता एंड नेबरिंग रीजन्स हैं।
और प्रोडक्शन कैपेसिटी वो 16 लाख टन पर हेड। फिर आता है आपका विस्को। विस्को का जो प्लेस है ये है भद्रावती, कमनगुड़ी माइंस के थ्रू आयरन ओर निकाला जाता है, इनके पास पहुंचता है। कोल की जो अवेलेबिलिटी है वो लोकल कोल है जो कि वुड से बनता है, और जो रीजन जहाँ पे मैगनीज वगैरह मिलते हैं वो लोकल लेवल पर ही इनको मिलता है। एंड भद्रावती रिवर जहाँ से इनको वाटर की फैसिलिटीज मिलती है, और बेंगलुरु एंड द नेबरिंग रिवर्स यहाँ से इन पर ही जाता है, और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2 लाख टन है। इसी प्रकार से आपको ये राउरकेला, भिलाई फैक्ट्री और दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री, बोकारो फैक्ट्री, विशाखापट्टनम फैक्ट्रीज, इनके बारे में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। देन 2015 में इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनी क्रूड आयरन की इन द वर्ल्ड, वाइल द 2003 के अंदर इट वॉज द 8th प्लेस, इसका 8th प्लेस हो गया वर्ल्ड में। मतलब ये बता रहे हैं कि 2003 के अंदर इसका 8th प्लेस था, जो कि आगे बढ़कर 2015 के अंदर थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई क्रूड आयरन ओर की। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायरेक्ट रिड्यूस आयरन का। डायरेक्ट रिड्यूस आयरन को DRI भी बोलते हैं, या स्पॉन्ज आयरन बोला जाता है। आफ्टर चाइना, चाइना अमेरिका के बाद इंडिया ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर। ये प्रोड्यूसर के साथ साथ ये कंज्यूमर भी है प्रोड्यूस स्टील की। द स्टील सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट 2% इन इंडिया GDP, और इंडिया के अंदर जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 2% है। एंड मोर देन 6 लाख पीपल गेन एम्प्लॉयमेंट, और इसके अंदर 6 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। ये है आपका इंडिया का मैप जिसके अंदर शो किया गया है स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ सेटअप हैं। तो ये जो मैप है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप है, इसको आप अच्छे से तैयार किएगा कि एग्ज़ाम के अंदर इसमें से पूछा जाता है कि ये मैप जो जो चीज़ें से दे रखी हैं स्टील इंडस्ट्री है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि बोकारो कहाँ पर है, तो ये बोकारो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बोकारो के बारे में। तो ये जो बोकारो है ये बिहार के अंदर है, बिहार और झारखंड जहाँ मिल रहे हैं इसके वहाँ पर बोकारो है। देन उसके बाद ये आता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर आपका दुर्गापुर और दूसरा है आपका बर्नपुर। तो ये इसको प्लांट ये भी आपका वेस्ट बंगाल के अंदर लग रहा है। देन उसके बाद ये जमशेदपुर है, जमशेदपुर आपका ये आता है झारखंड के अंदर, ये झारखंड के अंदर आता है आपका जमशेदपुर। राउरकेला ये आता है आपका उड़ीसा के अंदर। देन उसके बाद ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश से अलग हुआ ये है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर आता है आपका भिलाई। देन ये आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे मुंबई के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिशियल टाटा एंड स्टील का प्लांट है। दूसरा इसके यहाँ पर चंद्रपुर जो दे रखा है ये भी महाराष्ट्र के अंदर है, तो चंद्रपुर के अंदर भी प्लांट है सेल का। जहाँ पर ये ब्लैक कलर में शो किया गया है वहाँ ये सेल को शो कर रहा है, और जहाँ पर ये ऑरेंज कलर में शो कर रहा है वो टाटा स्टील को शो कर रहा है। तो ये जो शो कर रहा है वो टाटा स्टील को शो कर रहा है, और ये जो है वो सेल को शो कर रहा है कि कहाँ कहाँ पर सेल है। स्टील अथॉरिटी भद्रावती जो है ये आपका सेल है, और ये जो आ रहा है आपके कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में भद्रावती है। देन ये आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर आपका आता है ये सेलम। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पूछी जाती हैं। और विशाखापट्टनम ये आता है आपके
आंध्र प्रदेश प्रदेश था जो कि अलग हो गया, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर अब आता है विशाखापट्टनम। तो ये तो था आपका सारा स्टील के बारे में। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री है इंडिया की, और मेंशन किया जाता है कॉटन टेक्सटाइल को कि ये इसके बारे में वेदास और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी बताया गया है। एंड दिस इंडस्ट्री विच जनरेट द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट, और ये जो इंडस्ट्री है वो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, और ड्यू टू दिस रीज़न, इस रीज़न की वजह से जो बहुत सारी कंट्रीज हैं एट द नंबर वन इन द कंट्री इन द पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंशन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी कंट्री है वो नंबर वन पर है कि यहाँ पर एक्सपेंशन है इसका, प्रोडक्शन होता है और एम्प्लॉयमेंट मिलता है इससे ज़्यादा लोगों को इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर इट स्टैंड इन एट द सेकेंड प्लेस, वर्ल्ड में इसका सेकेंड प्लेस है। रिस्पेक्ट द कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन आफ्टर चाइना, चाइना नंबर वन पे, देन इसके बाद इंडिया आता है। मॉडर्न टेक्सटाइल, जो मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर, इसको स्टैब्लिश किया गया है इन फोर्ट ग्लेस्टर इन कैलकटा इन द ईयर 1818। सबसे पहले इसके अंदर बताया गया है कि ये जो फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सबसे पहले कहाँ सेटअप की गई थी, इंडिया के अंदर। तो ये स्टैब्लिश की गई थी कैस्टर कैलकटा इन द 1818 के अंदर। देन बट जो इसका जो एफर्ट था वो फेल हो गया, यानी कि ये इंडस्ट्री ज़्यादा दिन सक्सेस नहीं हुई। और 1854 के अंदर जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको स्टैब्लिश किया गया था क्वाजी डाबर इन मुंबई, मुंबई के अंदर क्वाजी डाबर ने इसको स्टैब्लिश किया था फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल। तो इस तरह से जो एक तरह से माना जाएगा और रनिंग में जो है वो 1854 के अंदर इसको सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था। इट स्टार्टेड द प्रोडक्शन, और इसका जो प्रोडक्शन था वो स्टार्ट हो गया था 1856 के अंदर, एंड बाय 1861 के अंदर 1861 के अंदर 12 और मिल्स को सेटअप किया गया इंडिया के अंदर। 1947 के अंदर देयर वर 417 मिल्स, 417 मिल्स थी इंडिया में, इन वे जिसमें 3 लाख वर्कर्स काम करते थे, एम्प्लॉयड थे। एट प्रेजेंट नंबर ऑफ दीज मिल्स, अब ये जो मिल्स हैं वो बढ़कर 2000 हो गई, जिसके अंदर 40 लाख पीपल जो हैं वो काम करते हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो इंडस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट करती है 14% टुवर्ड द इंडिया जीडीपी, इंडिया के जीडीपी के अंदर। अब हम जो इसके बारे में डिटेल है, कौन कौन से स्टेट के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना बहुत है।